हेलो फ्रेंड्स, किरण द निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुंदर बॉर्डर डिज़ाइन। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बुना हुआ बॉर्डर कितना सुंदर लगता है। इसमें मैंने आगे ये सिंपल ही बुना है और साइड में ये बटन पट्टी भी इसी बॉर्डर की बनाई है। तो आप फ्रेंड्स उल्टे और सीधे का बॉर्डर बुनते हो तो उसमें सफाई नहीं आती है, सीधे जो फंदे बीच में होते हैं उसमें सफाई नहीं होती। तो इसमें जो ये वाला बॉर्डर है ये थोड़ा सा हटके है बुनने में, पर इसमें सफाई बहुत आती है, बहुत बुना हुआ सुंदर लगता है। तो इस वाले पैटर्न में ये वाला बॉर्डर डिज़ाइन जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें आप कोट वगैरह भी बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर बन के आएगा, और कैप भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये बुनना, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हैं मैंने 12 फंदे, यानी कि 12 स्टिचेस मैंने इसके लिए लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि इवन नंबर के स्टिचेस, जो कि दो के साथ डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर होता है, उसके स्टिचेस आप इसमें ले सकते हैं। ओड नंबर के स्टिचेस आप इसमें नहीं लेंगे। इवन यानी कि 12, 14, 16, 20, 50 ऐसे ये स्टिचेस आप ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पहला फंदा इसमें उल्टा चाहिए, ये देखिए, और लास्ट का फंदा जो इसका देखिए सीधा है। अगर लास्ट में भी उल्टा फंदा होता तो हमें इसमें ओड नंबर के स्टिचेस लेने पड़ते। तो इसमें इस बॉर्डर के लिए हम लेंगे इवन नंबर के स्टिचेस। तो चलिए बुनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिचेस ले लिए हैं, राइट साइड है इसकी, सीधी साइड है, दो ही सिलाइयों का है ये, बहुत इजी। तो इसमें पहला जो स्टिच है इसको आप उल्टा बुनेंगे, बुनेंगे नहीं ऐसे पर्ल वाइज पहली सिलाई में उतार लेंगे और ये धागा पीछे को कर देंगे और नेक्स्ट आपका आएगा सीधा, देखिए ऐसे। ये हर बार आपका ऐसा ही आएगा, स्टार्टिंग में पहला आप उल्टा उतारते हुए धागा पीछे को करोगे और सीधा फंदा बुन लोगे, फिर आप एज इट इज़ जैसे बुनते हो एक उल्टा एक सीधा, ऐसे आप बुनते जाएंगे। जितने भी आपके पास इवन नंबर के फंदे होंगे ऐसे ही बुनते हुए आप कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे फंदे थोड़े कम लिए हैं ताकि ये फटाफट हो जाए और इजीली आपको आ भी जाए। जैसे आप उल्टे और सीधे का बॉर्डर बनाते हैं फ्रेंड्स, वैसे ही आपको इसकी ये राइट साइड बुननी है। इसमें बहुत सफाई आती है, ये देखिए सीधा, ये उल्टा हो जाएगा और लास्ट में फ्रेंड्स आपके पास सीधा फंदा आ जाना चाहिए ऐसे। तो ये रो वन जो है ये मैंने राइट साइड की बुन के कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम रॉन्ग साइड में हैं, यानी कि उल्टी साइड में है। उल्टी साइड से ये थोड़ा अलग बुना जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए आप। ये देखिए ये उल्टा फंदा है पहला हमारा, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और धागा ले जाएंगे पीछे ओर, देखिए ऐसे पीछे की ओर धागा ले जाके फिर हम नेक्स्ट फंदा जो है सीधा बुन लेंगे, देखिए ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ ले जाएंगे लाएंगे और ये उल्टा फंदा है इसको आपको ऐसे ही स्लिप करना है, आपको बुनना नहीं है। फिर धागा पीछे की ओर ले जाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे, बस यही फ़र्क आएगा आपका सीधी साइड का और उल्टी साइड में। ये देखिए उल्टी साइड में आपको उल्टा फंदा स्लिप करना है, इसको बुनना नहीं है। इसी से आपके फंदों की बहुत अच्छी सफाई से बुने जाएंगे ये, देखिए ऐसे धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा स्लिप करेंगे उल्टा और सीधा फंदा हम इसमें बुनेंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा स्लिप करेंगे और सीधा फंदा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे ये फंदा हम बुन देंगे सीधा, देखिए ऐसे ऐसे आपका ये आता जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने दो सिलाइयाँ बॉर्डर की कंप्लीट कर ली हैं। ये अभी दिखेगा नहीं, जब आप काफ़ी सारी सिलाइयाँ इसमें डालोगे तभी ये दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो दो सिलाइयाँ मैंने बताई हैं रो वन और रो टू, ऐसे ही डालते जाना है। रो वन तो आपकी एज इट इज़ आएगी, जैसे आप उल्टा सीधा बॉर्डर बुनते हो, और रो टू में जो रॉन्ग साइड की आएगी उसमें आप उल्टा फंदा बिना बुने उतारोगे। तो यहाँ पे आपको ये दो सिलाइयाँ आगे आगे चलाते जाना है, तो ये बॉर्डर चलता जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ये रो वन को रिपीट करके दिखाऊंगी। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए उल्टा फंदा है आपके पास। इसमें आपके एजेस भी बहुत सुंदर बन के आएंगे। इसको ऐसे उतारेंगे, ये साइड जो इसका बनेगी बटन पट्टी, एज इसका बनेगा बहुत सुंदर आएगा। उल्टा ऐसे उतार के आप पीछे ले जाइए धागा, और यहाँ पे ये देखिए ऐसे सीधा फंदा बुन लीजिए। ये फर्स्ट फंदा आपको स्लिप करना है, आगे आपके सारे फंदे जो हैं उल्टे और सीधे बुने जाएंगे। ये देखिए बुनने में बहुत इजी है, और इसकी सफाई जो है बहुत अच्छी आती है, बुना हुआ बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, और एजेस भी बहुत सुंदर बन के आएंगे। देखिए ऐसे, आप इसको नेक में भी बुन सकते हैं। जैसे आप नेक में ये बॉर्डर उल्टे सीधे का जब बॉर्डर डालते हैं, तो आपको ऐसे वाला बॉर्डर उसमें आप बुन सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे आता जाएगा। अब मैं आपको पहले वाला भी दिखाती हूँ बुना हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आएगा आपका। जब आगे आगे आप इसमें सिलाइयाँ डालते जाओगे, तो आपका ये सीधा फंदा बहुत एक्यूरेट बुन के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन पट्टी भी बहुत इसकी सुंदर बन के आ रही है। देखिए, तो आप इसको आगे चल के नेक में भी बना सकते हैं, शोल्डर के उसमें भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर बन के आएगा। अब आप भी बनाइए, इजी वे है। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।